तो एक बढ़िया चौपाई का अर्थ करते थे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मनुष्य शरीर तो बहुतों को मिल गया और बड़े भाग्य से मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु मानव शरीर में भी सुर दुर्लभ है। ये सुर बड़ा दुर्लभ है, वो भगवान सबको नहीं देते, दुर्लभ चीज है। मानव शरीर में सबको सुर नहीं मिला है, किसी किसी को ही भगवान देते हैं, क्योंकि सुर दुर्लभ है, है? और जिसके गले में सुर हो वो ससुर, सुरेन सहित, सुर के सहित है इसलिए ससुर है, और यदि गले में सुर नहीं है तो असुर। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो भगवान ये बहुत कीमती चीज है, किसी किसी को देते हैं। तो आज गोपियों का गाना रोना सब कुछ स्वर में हो गया, तो भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए। और तासा माविर भुछोरी स्मयमान मुखमुज, सभी ब्रजुवनिताओं के बीच में भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए तत्काल प्रकट हो गए। बोल बंसी वारे की जय हो। तासाम गोपी नाम मध्य सौरी आविर्भूत, तुरंत गोविंद प्रकट हुए, गोपियों ने चारों तरफ से घेर लिए। थोड़ी सी नोक झोंक भी भई, गोपियों ने कहा प्यारे हमने तीन तरह के लोग देखे हैं, एक वो हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, दूसरे वो हैं कि हम तो प्रेम करेंगे तुम करो या मत करो, और तीसरे वो हैं कि हमें प्रेम करना ही नहीं है, करे तो ठीक ना करे तो ठीक, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। भगवान बोले सुनो देवी, जो प्रेम के बदले में प्रेम करे मेरी दृष्टि से वो प्रेम है ही नहीं। तो क्या है वो? बोले ये तो व्यवहार है, तुम हमारे घर आए हम तुम्हारे घर गए, तुम हमको ये लाए तो हम भी तुमको कुछ लेके गए, और तुम खाली हाथ तो हम भी खाली हाथ। तो ये लेना देना जहां होता है वो व्यवहार होता है, प्रेम नहीं होता। और हम तो प्रेम करेंगे तुम भले ही मत करना, ऐसे प्रेमी तो मैया बाप ही होते हैं संसार में, बच्चों को अपने जीवन धन अपने जीवन की सारी कमाई उन पर लुटा डालते हैं, खर्च कर डालते हैं। अब गारंटी नहीं है बेटा भी उतना ही प्यार देगा या प्रेम आपको प्रदान कर पाएगा। परंतु जो किसी से प्रेम करते ही नहीं, ऐसे लोग चार तरह के होते हैं, आत्माराम आप्तकाम अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। आत्माराम को अपने शरीर से ही प्रेम नहीं है, वो अपने आत्मस्वरूप में ही रमण कर रहा है। आप्तकाम है जिसने सारी अपनी कामनाओं को समाप्त कर दिया, पूर्णतः निष्काम हो गया, वो भी किसी से प्रेम नहीं करेगा। ये दो उत्तम, पर दो अधम भी होते हैं। अकृतज्ञ, अकृतज्ञ माने कृतघ्न व्यक्ति, कितना भी करे जाओ करे जाओ, जिस दिन नहीं किया उसी दिन मुंह फुला के बैठ जाएगा, राम राम बंद कर देगा। ये कृतघ्नी लोग किसी से प्रेम नहीं करते, ये केवल स्वार्थ साधने में ही सजग रहते हैं, जिस दिन उनका स्वार्थ नहीं सदता उसी दिन वो राम राम बंद कर देते हैं, एहसान नहीं मानते। चौथा होता है गुरुद्रोही। गुरुद्रोही उसे कहते हैं कि आप प्रेम कर रहे हो, हम तुम्हारे प्रेम का फायदा उठा रहे हैं, कि इसको कैसे उल्लू बनाया जाए। भैया हमारा इस समय बहुत बुरा समय चल रहा है, क्या हो गया? बोले बच्चा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में अभी डाल के आया हूं, और जैसी दिखाया डॉक्टर को उसने 50,000 का बिल पकड़ा दिया। घर की हालत तुम जानते ही हो। आपने तुरंत 50,000 रुपया तत्काल निकाल के थमाया और बोले चिंता क्यों करता है, मेरे रहते तू पैसे की चिंता मत कर, तू इलाज करवा। अरे नहीं साहब, अरे चिंता मत कर, एहसान की कोई बात नहीं। और बाहर जाके नोट देख देख के मुस्कुरा रहा है, देखो कैसा उल्लू बनाया, कैसा बढ़िया चूना लगाया। तो एक व्यक्ति सच्चे दिल से तुम्हें चाह रहा है और तुम उसको मूर्ख बना रहे हो, ऐसा व्यक्ति गुरुद्रोही होता है। गोपी आप उसमें बोली बहना तो ये कन्हैया कौन से नंबर के, एक बोली हमें तो चौथे नंबर के दिख रहे हैं, पूरी परिभाषा इनके ऊपर। भगवान बोले हे देवी क्या कहा, मैं तुम्हें गुरुद्रोही नजर आ रहा हूं। गोपियां बोली तो गुरुद्रोही नहीं तो कौन हो, हमने तुमसे सच्चा प्रेम किया, तुम्हारी एक बंसी की पुकार पर छोड़ दिया सारा संसार, कोई क्या कहेगा कोई परवाह नहीं, और तुमने हमारे साथ क्या किया, छुप छुप के हमारे रोने का आनंद लेते रहे, हमें तड़पाते रहे भटकाते रहे, ये तुम्हारी गुरुद्रोहिता नहीं है? हम प्रेम कर रही हैं और आप हमें उल्लू बना रहे हो? प्रेम भरी फटकार।
गोविंद ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। हे देवी ऐसे मत बोलो, अरे तुम मेरे विरह में रो रही थी तो तुमसे ज्यादा तुम्हारे विरह में हम रो रहे थे। गोपियां बोली, नंबर एक के झूठा, यद तुम्हें रोना आता तो हमें छोड़ के भागते ही फिर क्यों। भगवान बोले, देखो देवियों, बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता। तपती धूप जब सिर पर आप सहोगे तभी शीतल छाया का सुख भी समझ पाओगे। जब धूप नहीं तपी तो शीतल छाया का भी स्वरूप आपकी समझ में आने वाला नहीं है, उसका सुख भी आपको मिलने वाला नहीं है। तुम एक रोती थी तो चार समझाने लग जाती थी, पर मैं तो बिल्कुल अकेला था। तुम्हारे विरह में जब मैं रोया तो मुझे तो कोई समझाने वाला नहीं, मेरी तो कोई सुनने वाला भी नहीं। माया परोक्षम भजता तुरोहितम, यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तचिंतयान्यव्रतो न वेद। कोई मूल्यवान वस्तु खो जाए तो 24 घंटे वह खोई हुई वस्तु चित्त में चढ़ी रहती है, देखो कितनी प्यारी चीज थी, चली गई, गिर गई, कहां चली गई, और दोबारा कहीं मिल जाए तो देखो कैसे चिपका के रखोगे। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से मिली है, कहीं दोबारा चली ना जाए, जैसे आजकल मोबाइल। बोलो राधे राधे। मोबाइल गया तो लगता है जैसे प्राण से निकल गए। आजकल लोगों की सबसे ज्यादा आसक्ति वहीं केंद्रित है, क्योंकि सारे रहस्य उसी में है। बोले राधे राधे, तो जैसे उसके बिना लोग छटपटाने लगते हैं। भगवान ने कहा, देवियों मैं देवताओं की दिव्य आयु पा करके भी तुम्हारी सेवा करूं तब भी उरण नहीं हो पाऊंगा, तुम ही कृपा पूर्वक मुझे उरण कर दो तो संभव है मैं उरण हो सकूं। जब ऐसे विनम्र वचन बोले तो गोपियां सब गदगद हो गईं, उनका सबका जो विरह था तुरंत विरह संताप दूर हो गया, और भगवान उतने ही गोपाल बन के प्रत्येक गोपी के साथ गलवैया डाल के ताता थैया करके थिरकना प्रारंभ कर दिए। ब्रज की प्रत्येक गोपी को यही लग रहा है कि गोविंद मेरे हैं, देखो मेरे साथ नाच रहे हैं, दूसरे के संग भी हैं, ये किसी को नजर नहीं आ रहे। तत्रारभत गोविंद रास क्रीड़ा मर व्रत ही, रासलीला भगवान की प्रारंभ हुई ब्रज वनिताओं के साथ के आ गए देवाधिदेव महादेव। महादेव ने यह दिव्य रास रस बरसते देखा तो प्रवेश करने का प्रयास किया, गोपियों ने रोक दिया, हे बाबा दाढ़ी मूछ वाला कोई नहीं भीतर आ सकता, यहाँ पर पुरुष केवल कृष्ण है, बाकी सब उनकी सखियां हैं, दूसरा पुरुष नहीं आ सकता यहाँ पर। भोले बाबा ने कहा, हे देवियो आपको मालूम नहीं मैं भी बहुत बढ़िया ठुमका लगाता हूं, एक बार मेरा नाच देखो तो सही, नृत्य की सारी विधाओं में मैं बड़ा पारंगत हूं, नृत्य भी आता है नृत्य भी आता है, दो शब्द हैं, नृत्य नृत्य, दो ता नृत्य और आधा ता में या लगा है तो नृत्य, दोनों में भेद क्या है। नृत्यम ताल लयाश्रयम, जहां ताल और लय की प्रधानता हो उसको नृत्य कहते हैं। हैं कथक आदि जिसमें तबला बज रहा है वैसे ही नृत्यकार के नूपुर बज रहे हैं, तो उसमें ताल की प्रधानता होती है, लय की प्रधानता है कि कितनी द्रुत गति में उसका तबला और उसके नूपुर गतिमान हो रहे हैं, इसको कहते हैं नृत्य। और दूसरा होता है नृत्य, नृत्य का स्वरूप क्या है, पदार्थाभिनयम नृत्यम, ये नृत्य की परिभाषा है। गायक जो गा रहा है उसके शब्दों के अर्थ को अपनी मुद्राओं के द्वारा नृत्य के द्वारा प्रकट करके दिखा दे। जब वो गिरधारी कहता है तो गिरधारी बन करके ऐसी मुद्रा बनाता है कि आपको भी गिरधारी गोवर्धन उठाई नजर आने लगे हैं। जब वो नयन की विशेषता गाता है तो अपने नयन मटका करके अंगुलियों का इशारा दे करके वो माने सारे शब्द के अर्थ को अपने अभिनय से प्रकट कर देता है, इसका नाम होता है नृत्य। तो भोले बाबा कहते हम सभी नाच गाने में प्रवीण हैं, नृत्ता अवसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। भोले बाबा ने अपने डमरू से ही पाणिनी सूत्र प्रकट कर दिए, तो उनके नृत्य में अद्भुत चमत्कार है। गोपी होने का जो भी चमत्कार हो अपना चमत्कार दुनिया में जाके कहीं दिखाओ, परंतु इस मंडप में दूसरा पुरुष कभी नहीं जा सकता। भोले बाबा समझ गए यहां बड़ा कठिन है,
तब भाग करके गए जमुना में नहाए, जटाओं का जूड़ा बांध लिए, लहंगा फरिया पहन करके चुनरी में मुंह छुपा के नथ बेंदा से खूब सजा करके छैल छबीली छोरी बन के छम छम करते घुसे चले गए। गोपियां समझ ही ना पाई ये कौन गोपी कहां से आई। गोविंद की दृष्टि पड़ी तो पहचान गए कि मोटी तगड़ी गोपी आज पहली बार आई है, भाई कौन है। ध्यान से देखते ही पहचान गए, आओ आओ मेरे गोपेश्वरनाथ, आपको भी स्वागत है आज रास मंडप में। बोल रास विहारी सरकार की जय, गोपेश्वर महादेव की जय। तो हमारे भोले बाबा गोपेश्वर बन के आज भी श्री धाम वृंदावन में विराजमान हैं। आइए इस रास रस में भोले बाबा के साथ हम भी सब चलें उस मंडप में, रास मंडप का आनंद लें, उसके बाद द्वारका की यात्रा मथुरा होते हुए करेंगे, ठाकुर जी का विवाह महोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। बोलिए रास बिहारी सरकार जय, गोपेश्वर महादेव की जय। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की